केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। शर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को टीवी में ज्यादा आने का शौक है, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। यही नहीं, अपने बेटे की शादी पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने शादी में खर्च करने की नहीं बैंक से पैसा निकालने की सीमा को 250 लाख रुपए रखा है। वहीं उन्होंने अपने बेटे की शादी में सभी जगह चेक से पेमेंट किया है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने नोटबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पर निशाना साधते हुए उनके बेटे की शादी में खर्च किए गए रुपए और पंडित को दिए गए पैसों को लेकर बयान दिया था। पहले तो मैंने बताया कि वो मेरी बेटी की नहीं, मेरे बेटे की शादी है। दूसरा, उन्होंने कहा पूछा कि क्या आप सभी पेमेंट चेक से करें। हमने जवाब दे दिया हाँ करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के पक्षों की शादी, एक की अशोका होटल में, दूसरों की तो जाहिर सी बात है वहां सभी पैसा चेक से जाना है। वहां पर हमने शादी के अंदर किसी से कोई गिफ्ट नहीं ली, एक रुपये हमने तिलक के ऊपर हमने शादी व्यवस्था की, कोई हमने भेंट गाड़ी घोड़ा कुछ भी हमने उस शादी के अंदर नहीं लिया। और उसके बावजूद भी उन्होंने पूछा कि 2.5 लाख रुपए में क्या यह शादी संभव होगी। मैं समझता हूं शायद एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहे, ना जाने किस तरह के रहे होंगे। 2.5 लाख रुपए शायद सीमा एक बार में कैश निकालने की है। बैंकिंग व्यवस्था के तहत किसी ने सीमा नहीं बांधी कि कोई शादी में 2.5 लाख खर्च करे या 50,000 खर्च करे या 5 लाख खर्च करे। तो समझता हूं उनका खाली जो टीवी पर आने का शौक और इस तरह की हरकतों से तो लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है, अच्छी तरह से आईना दिखा दिया है। सोशल मीडिया पर मैं कुछ देख रहा था, काफी लोगों ने उनको आईना दिखाया है, अब भी समझ जाए।